Hey guys, very very good morning and welcome to my channel Indian Mom Kanchan. So guys, यहाँ पर मम्मी आ गई है, पापा आ गए हैं और छोटा भाई भी आ गया है. तो ये लोग आए हैं शॉपिंग करने. और मैंने एक्चुअली आपको बताया नहीं कि मेरे भाई की शादी होने वाली है. और भाई की शादी है इस महीने के लास्ट में, मतलब लास्ट वीक में है. और इसी वजह से उसी की शादी की तैयारी चल रही है और उसी की शादी की शॉपिंग करने वो आज यहाँ पर आए हैं. आज दूल्हा दुल्हन के कपड़े लेने हैं हमें, तो वही लेने हम लोग जा रहे हैं. तो बस निकल चुके हैं, रास्ते में ही हैं, पहुंच जाएंगे तब मैं आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या शॉपिंग हो रही है. और हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई थी, एक्चुअली सडनली हुआ ये सारा कुछ. तो मतलब ये रिनोवेशन के चक्कर में ना मैंने आपको बताया ही नहीं. तो बस आज बता दे रही हूँ कि इस महीने के लास्ट में ही शादी है, मतलब मंथ के एंड में. और कौन सी तारीख को है वो तो मैं बाद में बता दूंगी आपको. एक्चुअली मैं शॉपिंग ही कर रही हूँ सारी अभी, मतलब शादी की शॉपिंग ही चल रही है मेरी. तो वो आगे के नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब आगे के जो भी व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे आपको, उसमें थोड़ी थोड़ी शॉपिंग मैं दिखाती जाऊँगी. और कुछ मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, कुछ मैं ऐसे शॉप में जाके शॉपिंग कर रही हूँ. तो कुछ शूट कर पा रही हूँ, कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ. कुछ जल्दबाजी में जा रही हूँ तो उसी वजह से शूट नहीं कर पा रही हूँ. तो यहाँ पर आप देख सकते हो दुल्हन की साड़ियाँ मैं देख रही थी, पापा को दिखा रही थी. एक्चुअली मेरा ना मतलब उनका ना ऐसा है कि मैं जो चूज़ करूँगी वही उनको लेना है. तो इसी वजह से उनको ना अभी की जो लेटेस्ट फैशन है या ये है तो उनको नहीं पता है क्या है. तो इसी वजह से वो मुझे लेके आए थे यहाँ पर. तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ दुल्हन के कपड़े, मतलब दुल्हन नहीं आई थी तो उसके ही कपड़े मैं सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे. उसकी साड़ियाँ वगैरह मुझे लेनी है, उसकी शादी की, उसकी मतलब सगाई की. सगाई भी दो दिन पहले ही है शादी के, तो इसी वजह से मैं पहले ही बता रही हूँ आपको. बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. बहुत अच्छे अच्छे आगे ब्लॉग देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि भाई की शादी के ब्लॉग और घर के रिनोवेशन के ब्लॉग. और उसके बाद घर रिनोवेट हो जाने के बाद मतलब जो होम टूर होगा वो होम टूर, मतलब जो भी टूर मैं डालूंगी वो टूर्स, और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. और ये जो भाई है ये सबसे छोटा भाई है मेरा, इसी की शादी है. तो अभी इसी की शादी होने वाली है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ शादी के लिए. और वो भी है कि यार इतनी ज़्यादा शॉपिंग अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि भाई की शादी हो और बहन शॉपिंग ना करे कोई नहीं सकता. बट कैसा है कि ये अभी शादी ऐसे में आई है एकदम से, कि अभी मेरा घर भी रिनोवेट हो रहा है, उसके बाद बाकी के काम भी, मेरे बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं तो, इसीलिए वो भी शॉपिंग भी करनी पड़ रही है, साथ साथ में सारा कुछ घर का भी संभालना पड़ रहा है. तो आपको इन दोनों में से कैसी कौन सी साड़ी अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना. इन दोनों में से एक साड़ी मैंने ली है भाभी के लिए, मतलब जो मेरी होने वाली भाभी है वो. आपको कौन सी अच्छी लगी ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके. वो तो आपको शादी में ही देखने के लिए मिलेगी कि कौन सी साड़ी इसमें से ली है. और हाँ, आप देख सकते हो और कौन सी साड़ी मुझ पे ज़्यादा जच रही है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना. तो यहाँ पर मैं ही सारे कुछ पहन पहन के देख रही थी, जो मुझे अच्छा लगा वो मैं ले रही थी. तो ऐसा हम लोगों ने इस दिन किया, मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे एक्चुअली हम लोग. बहुत सारी शॉपिंग हुई, दूल्हे की भी शॉपिंग हुई, दुल्हन की भी शॉपिंग हुई. यहाँ तो भी मैं शूट कर पाई, उसके बाद लास्ट में तो मैंने शूट करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि लास्ट में फिर मतलब जो दूल्हा है उसकी शॉपिंग की हमने, फिर मम्मी की शॉपिंग की, पापा की शॉपिंग की. थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उसमें ही. फिर ये आप लोगों को तो पता ही है, ये वाला जो मेरी भाभी है, मतलब बड़ी भाभी, उसका मायका भी है ये, तो उसके घर में भी जाना पड़ा. तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा थक गए थे. उसके बाद घर गए, खाना वगैरह खाया. तो यहाँ पर ये वाली साड़ी मैंने पहन के देखी थी, बट ये वाली ना मतलब जैसे कि ये लेटेस्ट जो फैशन है वो पुराने ज़माने वालों को पसंद नहीं आते थे, थोड़ा सा जाली जाली का दिख रहा था. तो मैं सोच रही थी कि ऐसे रिसेप्शन में इस टाइप का अगर पहनेगी वो तो अच्छा लगेगा. मतलब उसको अभी लॉकडाउन में शादी है ना, तो इतना कुछ तामझाम करने वाले नहीं है. तामझाम मीन्स इतने लोग नहीं आने वाले, तामझाम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि शादी है यार आफ्टरऑल. तो शादी में तो जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा, बट ज़्यादा लोगों को परमिशन नहीं है, मतलब ज़्यादा लोगों को हम लोग बुला नहीं सकते. इसी वजह से थोड़े से कम लोगों में ही सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेगी. तो जो कुछ है वो तो सारी रस्में वगैरह सारी पूरी करेंगे, बट लोग ज़्यादा नहीं बुलाएंगे तो ऐसा है. तो इसी वजह से जो दुल्हन है उसने बोला था कि लहंगा पड़ा रहता है हमारे, इसमें ज़्यादा लहंगा नहीं पहनते ना मराठियों में, तो इसी वजह से लहंगा पड़ा रहता है. तो फिर
आप एक काम करो बोले कि आप साड़ी ही ले लो, डिज़ाइनर साड़ी। तो इसी वजह से मैं ये डिज़ाइनर साड़ी देख रही थी कि ये कैसे लगेगी। तो थोड़ा सा ये कलर तो मुझे वो नहीं लगा था, बट इसमें से मैंने एक दो कलर देखे थे। तो आपको जो भी मैंने लिया है ना, आपको शादी में ही देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर मैं ग्रीन साड़ी, हमारे इसमें बोलते हैं ना कि इंगेजमेंट में ग्रीन साड़ी पहनते हैं, तो इसी वजह से ग्रीन साड़ी देख रही थी। तो यहाँ पर मैं घर पर आ गई थी रात को, और उसके बाद थक गई थी। तो हाँ, सुबह उठते ही कामों में लग गई थी। ये 6 बजे के टाइम होगा, 6 बजे ही मैं कामों में लग गई थी। ड्रेस चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला था। ड्रेस चेंज मीन्स बहुत जान पे आ रहा था, बस फेस वॉश किया और वैसे ही सो गई थी खाना खा के। तो यहाँ पर सुबह उठी तो सुबह आगे काम दिखे तो बस वही कामों में लग गई थी। एक्चुअली ये जो काम है ना वो करके देते हैं कारपेंटर वगैरह, निकाल के देते हैं, बट हमारे पास टाइम नहीं है, इसी वजह से हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। उनके पास भी टाइम नहीं है, वो मतलब वो तो जल्दी जल्दी कर ही रहे हैं, बट हम लोग भी उनको थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं। तो बस यही जो पॉलिथीन है वो हम लोग निकाल रहे थे दोनों भी मिलके। ये मैंने ये डोर्स की निकाली, और उसके बाद उन्होंने ऊपर वाले जो ये है वो किसी के ऊपर चढ़ के फिर उन्होंने वो निकाली उसकी पॉलिथीन। तो ऐसे करके हम दोनों ने उसकी स्टोर रूम की पॉलिथीन निकाल दी थी फर्नीचर की। तो इस टाइप से ये हो रहा है यार, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि इतनी बिजी जा रही है लाइफ, कि एक तो उसमें शादी भी आ गई है, दिवाली भी आ गई है, दिवाली की तैयारी करनी है, उसमें मेरे यहाँ के काम आ गए हैं। ऐसा हो रहा है कि पैर रात को जब सोती हूँ ना मैं, तो इतने दर्द करते हैं ना कि आज तक इतना ज़्यादा काम मैंने कभी नहीं किया है ना। तो इतना ज़्यादा मैं खड़ी रही हूँ तो इतने ज़्यादा पैर दर्द करते हैं कि डेली का वही नाटक चल रहा है कि पैर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है। क्योंकि खड़ा रहने के अलावा ऑप्शन ही नहीं है, बैठने के लिए जगह ही नहीं है नीचे, और नीचे उनका काम देखने के लिए बार बार जाना पड़ता है मुझे, और सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़नी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ यार। ये तो मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि यार थकावट थकावट ये हाँ क्यों कर रही हो, फिर काम क्यों स्टार्ट किया। तो हाँ, मैं आपसे नहीं शेयर करूँगी तो किससे शेयर करूँगी बताओ मुझे। तो आप भी मेरी फैमिली हो इसी वजह से शेयर कर रही हूँ आपसे। और ये देखो कितनी ज़्यादा धूल है, ये मैंने पूरा ऊपर ऊपर से क्लीन किया, मतलब धूल वगैरह निकाली। उसके बाद जो कलर के दाग है ना वो उन्होंने टारपेन से निकाल के दिए थे हमें। तो सिर्फ मैं ये ऊपर ऊपर की जो दाग है, मतलब दाग नहीं धूल जो है वो निकाल रही हूँ, सिर्फ बस वही किया मैंने। और अब ये डोर जो है पूरा क्लीन हो गया है, अभी उन्होंने दाग निकाल दिया है जब मैं एडिट कर रही हूँ, तब उन्होंने पूरे दाग निकाल दिए हैं। और इसके आगे भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे आपको। मंदिर पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपको मंदिर का लुक देखोगे ना आप तो देखते रह जाओगे। बहुत सुंदर मंदिर बना है यार, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मंदिर का जो मैंने सोचा था ना वैसे ही सेम टू सेम मंदिर बनाया, मतलब जो मैंने डिज़ाइन दी थी कि यार अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। मतलब मैं सोच रही थी कि यार ये पता नहीं, जब तक मेरा काम ना कंप्लीट नहीं होता है ना, मतलब जब तक मैं जो डिज़ाइन दूँ और जब तक मतलब उसकी फाइनल मतलब लुक मुझे देखने के लिए नहीं मिलता है ना, तब तक मुझे टेंशन ही रहता है कि यार मैंने ये डिज़ाइन तो दे दी बट ये अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तो अभी कलर जो है ना, वो जो ग्रीन कलर आप देख नहीं रहे थे बेडरूम का, वो कलर भी अच्छा लगने लगा है। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी, बहुत अच्छा लगने लगा है वो भी। और ना थोड़ा बहुत काम मतलब होते जा रहा है तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ना क्लीन होते जा रहा है ना सारी चीज़ें, तो अच्छी लग रही है। जैसे कि अभी किचन क्लीन हो गई है, किचन का भी आपको दिखा दूँगी बाद में। लेकिन ये जो ना पल्ले हैं ना ये नीचे के, जैसे कि ये ट्रॉलीज वॉलीज के, ये मैंने क्लीन किए थे उसके बाद भी, और उसके ऊपर धूल बैठ गई है तो वो भी मुझे दोबारा से क्लीन करने पड़ रहे हैं। मतलब जो भी चीज़ें हैं ना डबल डबल का काम होते जा रहा है, क्योंकि धूल वगैरह बहुत ज़्यादा बैठ रही है तो इसी वजह से वो दोबारा से काम होते जा रहा है। तो यहाँ पर मैं ना सुबह का नाश्ता बना रही थी, मतलब नहा वगैरह लिया था, नहाने के बाद जो थोड़ा सा उनको भी देना पड़ता है और हमारे लिए भी, तो इसी वजह से नाश्ता बन रहा था। नाश्ते में उपमा बन रहा था, यहाँ पर चाय भी बना दी थी मैंने, चाय भी बॉईल हो रही थी, यहाँ पर मेरा नाश्ता भी साथ साथ में बन रहा था। तो बस यहाँ पर उपमा बन गया है और उपमा रेडी भी हो गया है, मैंने प्लेट्स निकाल लिए, ये हम दोनों के लिए निकाल लिए है, वो आ जाने के बाद उनको भी देना पड़ता है तो वो बाद में खा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा खाना हो चुका था और जो प्लेट्स वगैरह थी तो वो मैंने वॉश कर ली लगे हाथ। और ये जो है ना कुछ प्लेट्स रात की भी थी तो वो भी मैंने साफ़ नहीं की थी, कुछ लास्ट में रही जाती है ना कुछ, तो वो भी मैंने साफ़ नहीं की थी तो वो भी मैं अभी क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे।
तो बस इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।